चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए जेजे थॉमसन ने दिखाए गए अपरेटस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रयोग किया गया और दोनों को ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया गया। इसका कारण यह था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज को बैलेंस करता है और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज और मास दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। दिखाया गया अपरेटस कैथोड रे ट्यूब है। जब इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है तब सीधे कैथोड रे बी पे जाकर टकराती है, वहां पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे चमक उत्पन्न करती है। थॉमसन ने जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग किया तब कैथोड रे डेविएट होकर ए पर जाकर टकराती है और चमक उत्पन्न करती है। केवल मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया तब देखा कि कैथोड रे डेविएट होकर सी पे जाके टकराई और वहां पर चमक उत्पन्न की। थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ऐसे एडजस्ट किया ताकि जो कैथोड रे है डेविएट होकर ना ए पे टकराए ना सी पे टकराए, वो सीधे बी पे जाके टकराए। और उस समय उन्होंने ई अपॉन एम ई वैल्यू को कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू आई 1.758820 × 10^11 कूलम्स पर केजी।